एवरीवन, इट्स जीपी पावर। ये कैटरपिलर 3406 पी मॉडल सीरीज का इंजन है और आप लोगों से एक चीज़, जो न्यू यानी कि जनरेशन के टेक्नीशियन जो भी बन रहे हैं, आ रहे हैं, जो काम सीख रहे हैं, और जो लोग ये इंजन फर्स्ट टाइम खोलते हैं तो उनको दिक्कत होती है टाइमिंग्स के, मार्क्स के लिए, क्योंकि इसके अंदर बड़ी बारीकियाँ हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी भी वीडियो बना के केम गियर की और इडलियर गियर की मैं आपसे मार्किंग का सिलसिला जो है वो शेयर करूँ। ये जो है ये इडलियर गियर है, ठीक है, टाइमिंग गियर के, ये क्रेन के साथ अटैच है, और फिर ये नीचे से जो गियर है, ये गियर, ये नीचे केम के साथ अटैच है। लेकिन इसकी टाइमिंग की मार्क सबसे पहले आपने अलाइन करना है, ये वी, जो क्रेन शाफ्ट पे वी है और केम के ऊपर जो वी है, ये इसको वी से वी मिलवा आपने अलाइन कर लिया, मिला लिया। उसके बाद फिर इडलियर गियर के ऊपर, फ्री गियर के ऊपर जो है यहाँ पे वी है, और जो नीचे केम की करा रही है वहाँ पे इस पर ये निशान है, ये निशान और ये निशान, ये दोनों आमने सामने बराबर परफेक्ट आ जाएंगे। ये ना हो कि ये निशान थोड़ा इधर आ जाए या इधर आ जाए, तो फिर आपकी पुश स्टार्ट ब्रेक हो जाएंगे, वाल्व टूटेंगे, टेढ़े होंगे, इंजन मिसिंग करेगा और वाल्व टूटेगा, पुश स्टार्ट ब्रेक करेगा। तो ये देख लें आप कि ये मार्किंग है 3406 कैटरपिलर की, जो यंग जनरेशन के टेक्नीशियन हैं जो काम सीख रहे हैं और कभी खोल लें तो उनको दिक्कत ना हो, तो यूट्यूब पे आपको ये हेल्प मिल जाए। ये और इसका पंप का, वो फिर मैं पंप की बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक के लिए ये वीडियो है, ये अभी इंजन फिट कर रहा हूँ। जैसे ये पंप की कंडीशन पर आएगा, पंप फिट करना, तो फिर इसकी पंप की टाइमिंग की से दोनों साइडों की आपको फ्लाईव्हील से और पंप से मैं गाइड करूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जीबी पावर को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।